थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, बर्थडे कितना स्पेशल है आज, इतने सारे व्यूज फैंस लोग ने पसंद किया गाने। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग हियर, फॉर ट्रीटिंग मी द वे वेरी स्पेशल, एंड गाना 80 मिलियन प्लस, एक्साइटमेंट डबल ट्रिपल लेवल पे हो रखी है अभी तो, एंड आई एम फीलिंग वेरी 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 ब्लेस्ड, वेरी ओवरवेल्म्ड। थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत पसंद किया जा रहा है ऑडियंस की तरफ से, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छे रीपोस्टिंग हो रही है, तो आई थिंक ओवर द टॉप, ओवर द क्लाउड, दैट्स ऑल। एक्सपीरियंस इज़ वेरी फैब, वेरी मार्वलस। एक्चुअली द थिंग द वे वी आर शूटिंग इट, इट्स वेरी हैक्टिक, इट्स इन लद्दाख, सो हैक्टिंग था, बट द रिजल्ट, द ओवरकम, द आउटकम इज फैब फैब। थैंक यू। एक्चुअली फ्रेंकली इट्स अ सरप्राइज फ्रॉम मी, सो फैमिली फ्रेंड्स आप सब ने जो जो सरप्राइज अरेंज किए, लेट्स सी अब क्या होता है, आई एम ऑल होपिंग फॉर द बेस्ट। हाँ जी हाँ जी, इट्स गोइंग ऑन, इट्स गोइंग ऑन, सो बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एस आर के फॉर एवर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हम सेम बिल्डिंग में रहते हैं, तो दैट मेक्स अस इवन मोर क्लोजर, इट्स अ चांस टू गेट टू नो मेनी मोर पीपल, एंड विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो एक्चुअली मैं आयरा मैम के हस्बैंड के साथ सेम टाइम पे जिम जाती हूँ, तो वैसे ही फ्रेंडशिप। Not right now because I'm focusing on my academics since I'm in the 10th grade. So once I'm done with my boards, hopefully I'll be back. इसके अलावा ये मोमेंट की बात करें, उसके बाद से लाइक यू हैव बीन इनटू अ फ्रेम, तो ये मोमेंट को कितना मिस कर पा रहे हो, कोई कास्ट को कितना मिस कर पा रहे हो? बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कास्ट को, शूटिंग को स्पेशली बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। इट वॉज अ लॉट ऑफ फन ऑन सेट, एंड सबसे अमेजिंग आप बात करते हो देवेंद्र मैम से, बात कर पाते हो? हाँ जी, हम सब टच में रहते हैं, आई थिंक सोशल मीडिया एंड अदर सोशल प्लेटफॉर्म, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हेल्प अस ऑल स्टे कनेक्टेड, वी ऑल नो व्हाट्स हैपनिंग इन ईच अदर्स लाइफ। इसके अलावा रियलिटी शोज के तरफ किस तरह देख रहे हो, क्या आपको इन फ्यूचर कोई रियलिटी शो आपको करना पसंद कर पाओ? मैं रियलिटी शो तो एक ही देखती हूँ, विच इज़ खतरो, एंड आई रियली इन्जॉय इट, एंड अदरवाइज आई लाइक टू वॉच कॉफी विद करण, आई लाइक टू गो देयर। दिस टर्म आई एम एक्चुअली नॉट फॉलोइंग बिकॉज आई वाजंट अवेयर। लास्ट ईयर फॉलो किया रहेगा ड्यू टू देवेंद्र, लास्ट ईयर हाँ हाँ जी जरूर फॉलो किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और उनका गाना 80 मिलियन इसके बाद कहने को क्या रह गया? बहुत बहुत शुभकामनाएं आयरा जी को बर्थडे के लिए, और गाना उनका आया है और 80 मिलियन लोगों ने देख लिया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, इसी तरह अच्छा से अच्छा गाने बनाते रहें। 80 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है, इसका मतलब मैंने अभी गाना सुना नहीं है, अभी सुनूँगा, इसका मतलब गाना बहुत ज़बरदस्त है। तो आयरा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, आने वाले दिनों में और अच्छा अच्छा म्यूज़िक बनाएँ और लोगों के सामने पेश करें, वेरी गुड विशेस उनको। इसके अलावा आपकी बात करें, शेर शिवराज को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला, आपके किरदार को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहूँगा? जब मैं सुनी थी कहानी तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, और सबसे बड़ी बात थी कि उनकी रिसर्च बहुत अच्छी थी उस करेक्टर को लेकर, डायरेक्टर साहब दिगपाल जी ने जिस तरह मुझे सुनाया, तो मुझे लगा यही मौका है। कई बार इस ये फिल्म में ऐसे पहले भी बनी तो ये सेम करेक्टर मुझे करने को मिला, लेकिन फिल्म शुरू नहीं हो पाई, लेकिन इस बार जब उन्होंने कहानी भी सुनाई, मुझे अच्छी भी लगी और फिल्म बनी भी, कंप्लीट भी हुई और लोगों ने उसे पसंद किया है, तो मराठी एक अपने आप में बहुत कमाल की इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, वो इसलिए क्योंकि उनका नाता स्टेज से जुड़ा हुआ है, तो उन सबके साथ काम करने का मौका मिला, मज़ा आया। अफजल खान के किरदार की मैं बात करूँ, काफ़ी लोगों ने
वो किरदार निभा चुके हैं, आपने जो निभाया उसको काफ़ी सराहाया गया। आप कुछ प्रिपरेशन किए थे, लाइक हैव यू प्रिपेयर फॉर समथिंग बिफोर डूइंग दैट रोल? कुछ रिसर्च किया हो? यस, मुझे इतना फ़ायदा हो गया था कि मुझे स्क्रिप्ट पहले मिल गया था और उससे मुझे उसे तैयार करने में बहुत आसानी रही। काफ़ी उसके ऊपर मैंने जितना जोर लगाना था लगा लिया। सबसे बड़ी बात जो मेरे फेवर में रही वो ये थी कि फिल्म है मराठी, लेकिन उनकी सोच ये थी कि ये जो मेरा करेक्टर है ये उर्दू जो उस तरह की भाषा है उसी मिक्स लैंग्वेज में बात करेगा, मराठी नहीं बोल रहा है वो। तो ये शायद ब्लेसिंग इन डिसगाइज रहा, क्योंकि लैंग्वेज थी जो मैं जिसमें मेरा कंट्रोल था उसी में मुझे बोलना था। तो ये एक चैलेंज जो बन सकता था मेरे लिए, अगर मराठी में पूरा बोलना पड़ता तो एक चैलेंज होता, तो ये भी मेरे फेवर में गया, इसलिए और मज़ा आया करने के। इसके अलावा आने वाले समय में क्या कुछ आने वाला आपकी तरफ से? अभी एक सीरीज़ मेरी रोहित शेट्टी जी के साथ है जो पुलिस के ऊपर है, वो चल रही है, और सलमान साहब की एक फिल्म शुरू करेंगे नेक्स्ट मंथ में, उनकी शुरू हो रहा है, बहुत बड़ा शेड्यूल है। तो ये दो तो हिंदी में हैं, बाकी पंजाबी में दो फिल्में हैं वो कर रहा हूँ, एक निडर है एक नानक नाम जहाज़ है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, और कुछ ना कुछ साउथ में होता रहता है, तो बस इसी तरह ही दुनिया चल रही है मेरी। ऑल द बेस्ट साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप सबको भी, और आज अगला दिन है लेकिन फिर भी अपने आज़ादी की सबको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। जी ऑफकोर्स फील होता है, अच्छा फील होता है। मतलब उसके लिए ये कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी एक्टर है, और उसको बहुत अच्छे से विश करना आए आज इसीलिए। सो ये कहूँगा, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आयरा। गाने की दो लाइनें, मन बाबुरा है मन बाबुरा, मन बाबुरा है मन बाबुरा, सुनता नहीं है क्यों लापरवाह लापरवाह, मन बाबुरा दिल मन बाबुरा। अच्छा, टुकड़े टुकड़े दिल दे करके माहिर तू खुश हो जा, जिन्हें सारे ख्वाबा वेख्या दिल ने तू संग संग सब ले जा, जिथे भी तू जावे तेनू याद नी मैं करना, छड़ जाने दे मैनू छड़ जाने दे मैनू, मैनू इश्क नहीं करना। थैंक यू। ऐसे डायरेक्टर तो मुझे अच्छा लगा, बस कॉन्सेप्ट भी मेरा ही था, और जो किरदार था मतलब जो कैरेक्टर था आयरा का, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। कैरेक्टर को तो बहुत सैड कैरेक्टर था, उससे पहले वो हैप्पी थी एंड शी इज़ नॉट देयर, बट जिस तरीके से उसने किया है, जो मैंने उसको कंटिन्यू बोला खाली तरह फेस एकदम सैड और ब्लैंक रखना, और उसने थ्रू आउट पूरे गाने में वैसा रखा, कुछ कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज थी उसमें जिसमें हैप्पी है जब फ्लैशबैक में जाती है, तो इट्स गुड। ओवरऑल जो पैकेज आया, जो मेहनत थी वो रंग लाई, और अभी 80 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं एंड बाकी 100 मिलियन का बस इंतज़ार है। हाँ, बस मेरी बेस्ट विशेज है आयरा को आज, हाँ बर्थडे, एंड शी इज़ अमेजिंग। इंशाल्लाह दो चार गाने का और प्लान चल रहा है, नेक्स्ट गाने का भी आयरा के साथ करने का प्लान चल रहा है मेरा, तो इंशाल्लाह वो भी हिट होगा। लेट्स सी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।